सो गाइस कैसे हो आप लोग। साथ ही हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। सो गाइस आईपीएल का सीजन आ चुका है, बहुत सारी क्रेज आने वाली है, बहुत ही मजे आने वाले आईपीएल का वीडियो देखने में। सो गाइस ये वीडियो को जरूर देखिए और एंड तक देखिए। सो गाइस आज हम पहले तो आईपीएल के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपीएल का सीजन चालू हो चुका है। सो कमेंट में जरूर बताइए कि आपका फेवरेट टीम कौन सा है आईपीएल का, और आज का हमारा मैच है मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके। सो गाइस आपके हिसाब से मुंबई इंडियंस जीतेगी कि सीएसके, कमेंट में जरूर बताएं। सो गाइस आईपीएल के साथ साथ आईपीएल के कुछ जर्सी के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो गाइस आईपीएल के जर्सी के पीछे बहुत क्रेज रहता है, पर अच्छा क्वालिटी नहीं मिलने की वजह से हम खरीदते नहीं है। सो गाइस अमेजोन में एक्सक्लूसिव भी अमेजोन में ही सिर्फ आपको मिल जाएगा अच्छा खासा क्वालिटी के साथ ही। तो मैंने कुछ ढूंढ के रखे अमेजोन में अच्छे खासे, जहाँ जर्सी आपको देखने को मिल जाती है एकदम अच्छा खासा क्वालिटी के साथ, अच्छा कम्फर्ट जोन भी है उसमें। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सारे जर्सीज मिल जाएंगे सारे टीम्स के, तो जरूर परचेज किए अगर आपको खरीदना हो तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको एक्साइटिंग ऑफर के साथ मिल सकता है। बस चलिए आज के हमारे वीडियो के बारे में बात करें तो आज का हमारा वीडियो होने वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज का हमारा प्रोडक्ट है रेडमी का, रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स प्रो। तो आज इसके बारे में हम आज पूरा जानकारी देने वाले डिटेल में आपको, कि आपको ये फोन क्यों खरीदना चाहिए और आपको इसमें क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाता है। सो बस एक्सक्लूसिवली अमेजोन में आपको ये प्राइस पॉइंट देखने को मिल जाता है 8499 में, जो कि आपको अच्छा खासा रैम, अच्छा खासा प्रोसेसर के साथ रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स आपको मिल जाता है। सो वाइज दूसरी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगा इतने सस्ते पॉइंट में, तो सिर्फ अमेजोन में। और मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल कर रखा है, जहाँ आप आसानी से चेकआउट कर सकते हो और एक्साइटिंग ऑफर भी देख सकते हो। सो गाइस चलिए हम इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़े स्पेसिफिकेशन के बारे में। बस चलिए तो गाइस जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया कि ये वीडियो होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, और ये वीडियो पूरा बेस्ड होने वाला है रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के ऊपर। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि इसके सारे डिटेल फीचर्स और इसका प्राइस पॉइंट और साथ में ऑफर जो आपको देखने मिल जाते हैं। तो 499 रुपीज में आपको मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ अमेजोन में ही। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चेकआउट कर सकते हो, और साथ ही इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफर्स भी चल रहे हैं, आप वहां से क्लिक कर सकते हो और उसमें ऑफर्स देख सकते हो। सो गाइस अब बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस और ये सब के। तो गाइस हम आपको एकदम डिटेल में स्पेसिफिकेशन बताएंगे, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि हमारा सारा लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि हमारे सारे यूट्यूब दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन मिलते रहे। सो चलिए हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। सो गाइज हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के तरफ। सो आज का हमारा वीडियो होने वाला है फुल टू, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया कि रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के ऊपर। सो गाइज हम चालू करते हैं हमारे वीडियो। सो गाइज हमें स्पेसिफिकेशंस देख रहे हैं। सो हम इसके स्पेसिफिकेशंस कैमरा क्वालिटी से स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आपको रेयर कैमरा मिल जाता है, AI का क्वाड कैमरा, जो कि आपको 4 कैमरा दे देता है, 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का, जो कि बहुत ही शानदार कैमरा क्वालिटी मिल जाता है आपको इसमें। 64 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल से आप एकदम क्लियर कट फोटो खींच सकते हो, एकदम इस्तेमाल कर सकते हो कैमरा तो बहुत ही। और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा मिल जाता है, जो कि आपको जूम करने के लिए बहुत ही बेहतरीन मिल जाता है फीचर्स इसमें। अभी इसके प्रोसेसर की बात कर ले तो आपको इसमें फास्टेस्ट प्रोसेसर मिल जाता है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 720G, जो कि बहुत ही फास्टेस्ट स्पीड मिल जाता है आपको इसमें प्रोसेसर, जो कि आपको गेमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग और भी बहुत कुछ के लिए इस्तेमाल होने के लिए बेस्ट है। प्रोसेसर आपको 2.3 का गीगाहर्ट्ज़ का क्वालकॉम का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि एकदम फास्टेस्ट है, जो कि मैंने पहले भी बता दिया। तो अभी इसके मेमोरी के बारे में बात करें तो आपको मेमोरी मिल जाता है 6GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, जो कि आप एक्सपांड कर सकते हो 512GB तक, जो कि एकदम बेस्ट क्वालिटी की बात है। अब इसकी बात कर ले तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम किसका देखने को मिल जाता है। सो गाइस एंड्रॉयड का, एंड्रॉयड 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसको देखने को मिल जाता है, साथ ही आपको आने वाले टाइम में एंड्रॉयड 11 भी देखने को मिल सकता है। बात कर ले तो आपको सिम कार्ड का, इसमें सिम कार्ड का ट्रे मिल जाता है, डुअल सिम मिल जाता है, उसमें डुअल सिम इंसर्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको एक माइक्रो SD स्लॉट का मिल जाता है। डिज़ाइन की बात करो तो एकदम प्रीमियम लुक का डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का प्रीमियम लुक मिल जाता है, जो कि आप एक प्रीमियम फ़ोन लेने जाते हो तब उसमें फील आता है, वैसा ही फील इसमें भी आएगा। अब इसके फ्रंट कैमरा की बात कर ले तो आपको फ्रंट कैमरा मिल जाता है 32 मेगापिक्सल का HD डिस्प्ले में, साथ ही उसमें AI का स्पेशल फीचर्स भी उसमें है, जो कि आपको फेस रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। साथ ही इसमें आपको बायोमेट्रिक का ऑथोराइजेशन भी मिल जाता है, फेस लॉक, AI का फेस लॉक मिल जाता है, साथ ही आपको फिंगर टच का ऑप्शन भी मिल जाता है सेंसर का, जो कि बहुत ही लाजवाब है इसका। अब बात कर ले इसके डिस्प्ले को तो आपको डिस्प्ले मिल जाता है 6.67 का फुल HD वाला डिस्प्ले, जो कि बहुत ही बड़ा डिस्प्ले है, बहुत ही बेस्ट है गेमिंग के लिए, लाइव
स्ट्रीमिंग के लिए। साथ ही आप इसमें पिक्चर क्वालिटी भी आपको एकदम फुल एचडी क्वालिटी में देखने को मिल जाएगी। बात करें इसकी बैटरी को, तो आपको बैटरी मिल जाता है 5020 mAh की बैटरी, जो भी हाई कैपेसिटी वाली बैटरी है, जो आपको गेमिंग के लिए बहुत ही मदद मिलेगा। सो गाइज, आप आराम से एकदम गेमिंग कर सकते हो एकदम फुल टू मज़े से। सो गाइज, आपको गेमिंग के लिए मिल जाएगा 14 आवर्स, जो कि बहुत ही लंबा है, और आपको एकदम मज़े आ जाएंगे खेलने के लिए। और इसमें कॉलिंग कर सकते हो 29 आवर्स तक के, एकदम HD कॉलिंग कर सकते हो एकदम मस्त से। सो गाइज, अगर आप म्यूज़िक लगा के यूज़ करते हो, तो गाइज म्यूज़िक के लिए बेस्ट है, 210 आवर्स का गारंटी देता है ये फ़ोन चलने के लिए। सो गाइज, ये बहुत ही बड़ी बात है। सो गाइज, बहुत ही मस्त है, और ये स्टैंड अप ले लेता है 20.5 डेज़ का, बहुत ही ह्यूज स्टैंड अप देखने को मिल जाता है इस फोन में। तो इस प्राइस भी आपको इसमें बहुत ही लाजवाब प्राइस देखने को मिल जाता है, और एक्सक्लूसिव अमेज़ॉन में, जैसे कि मैंने पहले बता दिया। तो जब हम इसके बारे में बात करें, तो इसमें आपको चार्जर मिल जाते हैं, हैवी चार्जर मिल जाता है, 33 वॉट का चार्जर मिल जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट चार्जर है। साथ ही साथ आपको इसका प्रोटेक्शन में भी मिल जाता है, गोरिल्ला ग्लास मिल जाता है इसमें लगा हुआ, जो कि HD कॉर्निंग है गोरिल्ला ग्लास का, जो कि बहुत ही बेस्ट पार्ट है। साथ ही इसमें आपको वो मिल जाता है कैमरा लेंस का स्प्लैश प्रूफ, जो कि एकदम सिक्योर के साथ है आपके यूज़ के लिए। बात ही कर लेते हैं आगे उसके सेंसर्स के। सो है सेंसर्स में आपको, जैसे कि मैंने सेंसर्स में आपको बता रहा था, कि इसमें आपको अच्छा खासा AI का फेस अनलॉक मिलता है। साथ ही आपको इसमें साइड माउंट में मिल जाता है, जहाँ कि आपका वॉल्यूम अप डाउन का है, वहाँ आपको मिल जाता है इसका फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत ही सही है और कूल है। सो गाइस, यहाँ अलग से नहीं मिलेगा आपको, बल्कि आपको जो वॉल्यूम अप डाउन है, वहाँ ही आपको इसका सेंसर मिल जाता है, जो कि बहुत ही कूल बात है। सो गाइस, ये आपको 3 वेरिएंट में 3 कलर में देखने को मिल जाता है। इंटरस्टेलर ब्लैक कलर का मिल जाता है आपको पहला, दूसरा मिल जाता है ऑरोरा ब्लू का, तीसरा ग्लेशियर व्हाइट का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और एकदम प्रीमियम क्वालिटी का फ़ोन है। तो गाइस, अभी हम इसके डिफरेंस के बारे में बात कर ले कि रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिल जाता है। सो गाइस, रेडमी नोट 9 प्रो में आपको देखने को मिल जाता है कैमरा क्वालिटी में, जो कि आपको 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं आप अगर मैक्स में देखने जाओ, तो आपको 64 मेगापिक्सल का मिलता है। साथ ही आपको इसमें फास्ट चार्जिंग का भी इसमें देखने को मिल जाता है, कि रेडमी नोट 9 प्रो में आपको 18 वॉट का चार्जर ही मिलता है। वहीं आप अगर मैक्स में बात करो, तो आपको 33 वॉट का चार्जर देखने को मिल जाता है। सो गाइस, अभी और भी थोड़े फीचर्स हैं, जो कि आपको अच्छा खासा मिल जाता है। सो गाइस, गेमिंग का तो एक्स्ट्रा आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है, दोनों फ़ोन में सेम है। एंड्रॉयड का 618 का GPU सिस्टम मिल जाता है, जो कि स्पेशली गेमिंग के लिए ही बना है, और वो भी एकदम HD क्वालिटी देने के साथ साथ आपको एकदम लाइव फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। तो बस आपको कैमरा क्वालिटी में थोड़ा फर्क देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल का लो थोड़ा कैमरा क्वालिटी देखने को मिल जाता है, पर वो भी आपको प्राइमरी कैमरा का बहुत ही HD क्वालिटी को देखने को मिलता है। आपको इसमें फीचर्स में नाइट मोड मिल जाता है, साथ ही साथ 119 का 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है। सो अगर वीडियो शूटिंग के लिए आप ले रहे हो, तो ये परफेक्ट फ़ोन है। सो ऐसे वीडियो को आपको प्रो मोड देखने को मिल जाता है, साथ ही इसमें बहुत ही अलग अलग फीचर्स भी आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। सो गाइस, अभी इसके फ्रंट कैमरा की बात कर ले, तो आपको इसमें फ्रंट कैमरा में आपको 16 मेगापिक्सल मिलता है। वहीं अगर मैक्स की बात करो, तो आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को, सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है इसकी, और ये आपको प्रीमियम क्वालिटी के साथ तो मिलता ही है। सो गाइस, ये थे इसके बहुत सारे अलग अलग फीचर्स और डिफरेंस वाले फीचर्स, जो कि आपको देखने को मिल जाते हैं रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स में। सो गाइस, अगर आपका बजट थोड़ा सा है, आप बढ़ा सकते हो, तो गाइस मैं तो रेफर करूँगा आप रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स ही लीजिए। तो गाइस, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप वहाँ से हमारे कुछ अमेजिंग कूल फीचर्स रेडमी नोट 9 प्रो और रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स के बारे में। सो गाइस, कमेंट में मेरे को ज़रूर मेंशन कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कौन सा अच्छा फीचर्स लगा देखने को इसमें। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको सारा इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ स्पेसिफिकेशन के साथ, जो कि आपको क्या क्या मिलता है इसमें और कौन से ऑफर्स देखने को मिल जाते हैं। सो गाइस, आप मेरे को बताइए कि आपको इसमें सबसे ज्यादा अच्छा फीचर्स कौन सा लगा, और साथ ही आप ये भी बताइए कि आपको कौन से फोन पे, आने वाले फोन पे चाहिए आपको वीडियो, कमेंट में जरूर मेरे को बताइएगा। सो आज का वीडियो इतना ही था, आशा है आपको इसमें से कुछ ना कुछ तो मदद मिला ही होगा, और शेयर कर दीजिए सारे दोस्त लोगों को, ताकि उनको भी सारे डिटेल इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग सारे मिलते रहे। सो गाइस, चलिए आज का वीडियो खत्म करते, आशा है आपका दिन शुभ बीते। सो चलिए, साइनिंग ऑफ करते, बाय बाय।